ग्वालियर के एक दो तीन चार पांच छह लोग हैं मैम, आ रहे हैं अभी। पहले तो पहले मैं तुम्हें ये बता दूं, एक बात तो ये कि गीतांजलि तुम जैसी मुझे मिली थी आज भी तुम वैसी लगती हो। मैम क्या क्या मैं सुनने भाई, मैं कह रही हूँ जैसी तुम मुझे मिली थी पचमढ़ी में आज भी तुम वैसी लगती। मैम मेरा पहला पहली यदि किसी कोई बहुत खूबसूरत महिला पे मेरा दिल आया था तो वो आप थी। मैंने आपको ब्लू जींस में देखा था और ऑरेंज टॉप आपने पहना था, मैं कई दिन तक बस आपको सोचती रही कि कितनी खूबसूरत महिला यार, मतलब इतनी स्किन इतनी शाइन कर रही है, कितनी ब्यूटी है। अगर तुम इतना सोच रही थी तो बॉयज का क्या हाल होता होगा, सोचो। बिल्कुल आधा हिंदुस्तान इज इन लव विद मी। अच्छा तो गीतांजलि दूसरी बात मैं ये बता दूं कि मैं ग्वालियर गई थी पहली बार जब मैं दो ढाई साल की थी, और दूसरी बार मैं गई थी जब बीएम शाह की टीम के साथ गई थी एम्प्ले कर, और मैं ग्वालियर से बिलोंग करती हूँ। लश्कर में हमारी हवेली है जो अभी आधी होटल है और आधा घर है। आई बिलोंग टू मध्य प्रदेश, मेरे घर में अभी तक वही कल्चर है, खाने पीने का, त्योहारों का। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप यहाँ से हैं। और मेरे फादर जो थे वो अपना यंग एज में दिल्ली आ गए थे अपनी पढ़ाई के लिए, फर्दर एजुकेशन के लिए, तो वो दिल्ली में ही बस गए, तो इसीलिए मैं दिल्ली वाली हो गई। पर फैमिली कल्चर यही है। शाह साहब तो मुझे बहुत गुस्सा होते थे, क्या हैगा करती रहती है। हाँ, यहाँ ही दिक्कत है। है ना, ऐसे क्यों बोलती है। देखो कि मैं आपसे इतने 12-15 साल से इतना प्रेम और इतना अटैचमेंट क्यों है। मुझे लगा था कि आप शायद मना कर जाएंगे कि नहीं ये सब मुझे नहीं करना क्लास व्लास, लेकिन सच में आप बहुत अच्छी है। हाँ, पर मैंने मतलब मैं कोई भी तो ज्यादातर चीजों को नहीं ले रही हूँ इन दिनों, लेकिन एक तो तुम हमारे स्टूडेंट हो और बच्चों को कैसे मना करें। मैं बॉम्बे में हूँ, मेरा घर दिल्ली में है, मेरी सारी चीजें सारा रेफरेंस मटेरियल दिल्ली में है। अभी आज हम जो भी बात करेंगे वो सिर्फ मेमोरी पर। Okay. तो मैंने अपनी उस मेमोरी से बहुत सारा लिखा है, 30-35 पेज। अरे बाप रे। तो क्योंकि जब हम बहुत लंबी चीजों के बारे में, बहुत बड़ी चीजों के बारे में बात करते हैं तो माइंड बहुत इधर से उधर भागता है, इधर से उधर भागता है, और हम एक उसमें रह नहीं पाते जी। एक विषय पर। तो मैंने सोचा लिखना ही अच्छा, लिखने से थोड़ा मेमोरी में ज्यादा चीजें भी आ जाती हैं। और ये तो विषय इतना बड़ा है कि एक घंटा क्या, कई घंटे कई दिनों तक बात हो सकती है जी। लेकिन मुझे लगा तुम लोगों की जनरेशन के लिए खासतौर पर कि जो कुछ तुमने कभी सोचा नहीं, कभी जाना नहीं, वो आज सुनने को मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। मैम मैं एक चीज आपसे थोड़ा सा पूछना चाहती हूँ। आपने मुझे अच्छे से याद है आपने पचमढ़ी में कहा था कि मेरा नाम किरण नहीं है, आई एम किरण, ठीक है, याद है। तो मैंने आज ही वो लिखा तो बहुत लोगों ने आपत्ति करी कि नो नो इट इज नॉट किरण, इट इज किरण। हाँ, पर लेकिन तुमने पोस्टर में तो ओ ही लिखा है तो हिंदी में वैसे ही आएगा। हाँ, लेकिन स्पेलिंग मैम यही है सही ना। बिल्कुल स्पेलिंग यही है, मेरे सारे सर्टिफिकेट्स में यही स्पेलिंग है। अगर ये ओ नहीं लिखा तो वो चेक भी डिसऑन हो जाएंगे। सारी चीजें डिसऑन हो जाएंगी क्योंकि फिर वो मेरा नाम नहीं रहेगा। और ये भी एक मतलब क्या बोला है, इंसिडेंट ही है कि मैंने अपने नाम में ए हटा के ओ कब और कैसे लगा। बंगालियों को बड़ी सुविधा होगी, बंगाली लोग किरण को किरण ही बोलते हैं। वो तो बहुत खुश होते हैं किरण। मैंने शायद छोटी थी, मैं कौन स्कूल गोइंग गर्ली थी, लेकिन मेरे फादर योगा के डॉक्टर और टीचर थे और मैं उनकी योगा के डेमोंस्ट्रेटर थी, योगासन की। और बहुत सारे फॉरनर्स आते थे तो जो फॉरनर्स थे ना वो हमेशा किरण बोलते थे, जो मुझे बहुत अच्छा साउंड करता था। तब नहीं मुझे मालूम था मैं जिंदगी में
थिएटर में चली जाऊंगी, थिएटर करूंगी, बट वो साउंड मुझे अच्छा लगता था, इसीलिए मैंने स्कूल टाइम में ए हटा के ओ कर लिया। तो वही तो फिर हम कितनी देर में शुरू करेंगे असली बातचीत? नमस्कार, नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है, कैसा है जबलपुर? बेहतरीन। हाँ, आप बसंत सर को जानते होगे ना मैम? बहुत अच्छे से। हाँ, मैं वही कह रही कि यदि नहीं हो तो हम हमने उनके साथ एक दिन खाना भी खाया रात का। हाँ। देखा। शायद उन्हीं के घर में। यस। एक इनके साथ खास बात ये है जो क्या है वो, क्या नाम है, हिमांशु राय। हिमांशु। और आप दोनों इतने, मतलब इतने सगे हैं कि अलग नहीं किया जा सकता। और जब मैं जबलपुर गई अपने प्रोग्राम के लिए तो इन लोगों ने स्टेज पर मुझे इंट्रोड्यूस कराया, ये राशि की मम्मी है। एक दूसरे से अपने ग्रुप में तो मैं देखती रह गई थी, क्योंकि इन लोगों ने माधवी प्ले देखा था और तब तक ये मुझसे नहीं मिले थे, और उस माधवी से इतना ज्यादा प्रभावित थे कि मैंने बाद में कहा अच्छा ठीक है, यस मैं राशि की मम्मी तो हूँ ही। फिर हम मुंबई भी आए थे, आईआईटी मुंबई के पास रहती ना आप? जी, आईआईटी, उसमें आईआईटी में ही। हाँ, आए थे हम, वहाँ कैंपस अच्छा, में भी आए थे। हाँ। मैं भी मिली थी क्या? हाँ। मुझे याद नहीं है। तो मैम हम अपनी बात शुरू करें। हाँ, तो मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैम, और आपका आभार मानती हूँ कि आपने अपने समय में कुछ हिस्सा हमारे लिए निकाला और हम सब लोगों के बीच में उपस्थित हैं। इसके लिए मैं ये इस मंच से, मेरा मंच से, सभी की ओर से आपका धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। शुक्रिया, थैंक यू, आई लव यू, आई लव ऑल ऑफ यू। तो सुनो, मैं सोचती हूँ कि मैंने जो लिखा है उसे मैं पढ़ लूँ, ठीक है, और उसके बाद हम लोग इंटरैक्टिव वे में बात करेंगे, क्योंकि ये विषय इतना लंबा चौड़ा है, मेमोरी से ज्यादा नहीं चलेगा शायद, पर लिखा मैंने मेमोरी से ही है। जैसा मैंने कहा कि मैं यहाँ पर लॉकडाउन में हूँ, मेरा सारा मटेरियल दिल्ली में है, उसी उसमें, तो मैंने ये रखा है, मैं इसमें से, ये भी इंटरैक्टिव वे में ही लिखा है। इस प्रोग्राम में काफी रंगकर्मी मुझे जानते ही होंगे, आज हम रूबरू हैं काफी समय के बाद। मेरे बहुत से विद्यार्थी बहुत कुछ कर रहे हैं आजकल ऑनलाइन प्रोग्राम, मैं खुश हूँ उन सबके लिए। गीतांजलि भी उनमें से एक है, इसीलिए मैं मना नहीं कर पाई। आज जो भी मैं शेयर करूंगी वो अपनी मेमोरी से तैयारी नहीं की, क्योंकि मेरा घर दिल्ली में है, मेरा रेफरेंस मटेरियल भी यहाँ, तो मैं लॉकडाउन में हूँ। 5-6 मार्च को वुमेन्स डे के लिए परफॉर्मेंस था, उसका नाम था ओ फ्लावर, तब मैं यहाँ आई थी। बस 9 तारीख से कोरोना शुरू हो गया। तो फिर शुरू करें भारतीय रंगमंच के 50 वर्ष। पिछले कुछ दिनों में कई दुखद समाचार मिले। विजय मिश्रा, आप में से काफी लोग शायद जानते होंगे, उड़िया के बहुत बड़े नाटककार, अभी कुछ ही दिन हुए नहीं रहे। मुझे धीरा मलिक का मैसेज आया था, उनका एक नाटक जो हिंदी में ट्रांसलेट किया गया और पब्लिश भी हुआ, तट निरंजना, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने उसकी कितनी ही प्रतियां मित्रों को गिफ्ट की। उसके बाद कई शो भी हुए, मैंने भी देखे, आप लोग भी पढ़िएगा अगर मिल पाए तो, विजय मिश्र का तट निरंजना। उषा जी, उषा गांगुली, उनका पहला नाटक मैंने सप्रो हाउस में देखा था, उसके बाद तो उनसे दोस्ताना ताल्लुक रहे। उनके सभी नाटक देखे,
कलकत्ता में हिंदी में नाटक करना और उसे बनाए रखना अपने आप में इसका भी बड़ा महत्व है। इरफान खान, ये उम्र और ये काम, जिस तरह की फिल्में और चरित्र उन्होंने किए, जो कब्रिस्तान उनके लिए चुना गया वो हमारी बालकनी से दिखता है। बिलीव मी, हम दो दिन तक सो नहीं पाए। फिर ऋषि कपूर, सभी ने उनकी कोई ना कोई फिल्म तो देखी ही होंगी। हम इन सभी के सम्मान में आधा मिनट का आंख बंद करके प्रार्थना करें मन से। धन्यवाद। भारतीय रंगमंच के 50 वर्ष। विषय बहुत बड़ा है, मैंने इसे तीन भागों में देखने की कोशिश की है। 1965 से 1985 तक, 1986 से 2005 तक और 2005 से 2015 तक। कुछ साल पहले जब मैंने अलकाजी साहब का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने आषाढ़ का एक दिन के प्रोडक्शन के बारे में बहुत बताया था, जिसमें सुधा शिवपुरी ने मल्लिका का रोल किया था। उसकी म्यूजिक की रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास अब भी है। तब एनएसडी कैलाश कॉलोनी में था, मेरा परिवार भी कैलाश कॉलोनी में रहता था, पर मैं वहां कभी गई नहीं। तब मैं स्कूल में पढ़ती थी, पर एनएसडी के लोग हमारे घर में आते जाते रहते थे, रिहर्सल्स भी होते थे। जल्दी ही एनएसडी रविंद्र भवन में शिफ्ट हो गया। 1964 में एनएसडी ने रेपर्टरी भी बनाई, बेशक तब चार एक्टर ही थे, तब वो एनएसडी का अलग भाग नहीं था, यह थिएटर में ट्रेनिंग के लिए बहुत जरूरी था। एनएसडी प्रोडक्शन द ट्रोजन वुमन मैंने आईएफएक्स हॉल में देखी थी। तब आईएफएक्स नाटक के लिए एक अच्छा ऑडिटोरियम माना जाता। एनएसडी के प्लेस ज्यादातर वहीं होते थे। ये नाटक शायद 65 में हुआ होगा, मैंने ये 67 में ही देखा था। उस पर मैंने मेघदूत को बनते हुए देखा। उस पूरी जगह में एक गांव बसाया गया था। नाटक था होरी, प्रेमचंद का गोदान पर आधारित, कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस। कलाकार थे सोनटके। सोनटके ने होरी की भूमिका की थी और उषा साठे ने लीड रोल किया था फीमेल का, इस वक्त मुझे नाम नहीं याद। और सोनटके बहुत समय तक बॉम्बे में नेहरू सेंटर के डायरेक्टर रहे हैं और वहीं से रिटायर हुए। दूसरी तरफ रमेश मेहता जैसे नाटककार भर कर आए। वो हल्के फुल्के या पॉपुलर नाटक लिखते थे जो कॉलेज, इंस्टीट्यूशन और ऑफिस क्लब्स में होते थे। उनका अंडर सेक्रेटरी बहुत मशहूर हुआ, बल्कि इस नाटक में मैंने भी काम किया था। ये मेरा पहला नाटक था, ईयर था 1967। कुछ समय बाद मैंने एनएसडी ज्वाइन कर लिया 68 में। तभी पहले से तैयार जसमोर उनका टूर सिक्किम के लिए हुआ। ये जसमोर उनकी पहली प्रोडक्शन थी। पहली प्रोडक्शन से ये मतलब है कि उसके बाद आज तक बहुत सारे ग्रुप ने, बहुत सारे लोगों ने जस मॉडर्न किया है, लेकिन ओरिजिनली ये एनएसडी ने किया था और शांता गांधी ने उसको डायरेक्ट किया था। शांता गांधी खुद यहाँ महाराष्ट्र गुजरात से हैं, गुजरात से ही होंगी शायद, और वो हमारी संस्कृत थिएटर की टीचर थी, बहुत अच्छी टीचर थी, बहुत अच्छा पढ़ाती थी, इतना अच्छा ऐसा लगता था कि साक्षात हर करेक्टर हमारे सामने ही खड़ा है। उन्होंने जस मॉडर्न किया था। हाँ, क्या मजा आता था रिहर्सल करने में। कितने मूव थे, कितने सामूहिक गाने थे, आज तक भी जुबान पर ऐसे ही हैं। एम के रैना ने दला का रोल किया था, उषा जी ने उत्तरा जी ने दली का रोल किया था, मीना वालवाकर ने जस्मा के रोल किए थे। मीना वालवाकर जस्मा में कितनी क्या खूब लगती थी और वो बॉम्बे में ही रहती हैं। सुशील चौधरी और नईमा खान थे जो दो
दो लोग हर नाटक का म्यूजिक यही संभालते थे, दोनों एनएसजी के ही थे। बाद में नईमा खान को लोग दिल्ली में नईमा उप्रेती के नाम से जानते थे। दूसरी तरफ दिशांतर थिएटर ग्रुप सामने आया, ओम शिवपुरी व सुधा शिवपुरी वो मॉडर्न स्कूल में रहते थे, वहीं से काम करते थे। उन्हीं दिनों बच्चों के नाटक भी देखने में आए। मैंने देखा ब्लू हॉर्स और देखा बिल्ली चली पहन के जूता। उन्हीं दिनों हबीब जी से मुलाकात हुई, उनके काम के बारे में पता चला। एनएसजी से पास आउट टैलेंटेड स्टूडेंट्स कुछ रेपर्टरी में काम करते, कुछ काम करने बाहर चले जाते, बाहर माने एनएसजी से बाहर, जैसे बीएम शाह, ही वाज ए प्लेराइट डायरेक्टर एंड एक्टर। मैंने उनका त्रिशंकु देखा है जिसमें बनवारी तनेजा, नरेश सूरी ने काम किया। ये दोनों ही स्टेज, टीवी व फिल्म के एक्टर्स हैं। बनवारी तनेजा ने बाद में अनुराधा कपूर के उमराव में भी काम किया और उनकी फिल्म थी थोड़ा सा रोमानी हो जाए। मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने ये फिल्म देखी है। और उनका टीवी सीरियल था 24/36 करोल बाग। सीरियल तो मैंने नहीं देखा। फिल्म थोड़ा सा रोमानी हो जाए आप में से कितने लोगों ने देखी है पता नहीं, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। नाना पाटेकर ने उसमें बारिश कर की भूमिका की है, बनवारी तनेजा ने पिता की भूमिका की है, जिसमें शायद ही कोई डायलॉग हो और उनकी जो हंसी है उसमें वो नहीं भूली जा सकती। रेडियो में भी ऑल इंडिया रेडियो में काफी लोग काम करते थे। ड्रामा सेक्शन में ओम जी के साथ मैंने ओम शिवपुरी के साथ भी मैंने रेडियो में रिकॉर्डिंग की है और देखा कि वो अपनी आवाज को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। उनकी वॉइस रेंज बहुत ज्यादा थी। उस समय में किसी भी स्टेज पर माइक यूज नहीं होता था, वॉइस प्रैक्टिस होती थी। एक्टर की आवाज लास्ट रो तक जानी चाहिए ऑडिटोरियम में। मुझे कुलभूषण खरबंदा के साथ भी रिकॉर्डिंग की याद है, वो हवा महल के लिए गंगा प्रसाद माथुर का नाम तो सभी जानते होंगे, तो हम लोगों ने एक रिकॉर्डिंग साथ में की थी। इस समय में 3 थिएटर मैगजीन भी मुझे याद है जो निकले थे। इम्पैक्ट था पब्लिश्ड बाय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, परंतु शायद इसके 3 ही इशू निकले। मेरे एक असाइनमेंट के लिए मिस्टर अलकाजी ने कहा था कि इसे संभाल कर रखना, इम्पैक्ट में छापेंगे वो, पर शायद कभी इम्पैक्ट उसके बाद छपा ही नहीं। पर मेरा टॉपिक था कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट इन क्लासिकल इंडियन थिएटर एंड जापानीज नॉन थिएटर इन 1969। दूसरा मैगजीन था नटरंग, जो अभी तक चल रहा है, थिएटर के सभी लोग उसके बारे में जानते हैं। तीसरा था एन एक्ट, ये इंग्लिश में था, राजेंद्र प्रॉल निकालते थे। उनकी अचानक मृत्यु के बाद ये बंद हो गया। ये बहुत ही अच्छा मैगजीन था और आज तक भी जहाँ भी इसकी प्रतियां हैं रेफरेंस के लिए बहुत अच्छे से यूज होता है। इस मैगजीन में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बनने के बारे में भी बहुत अच्छा लिखा है। बाकी राज्यों से भी पत्रिकाएं निकलती जरूर होंगी जिनके बारे में मुझे ज्यादा नहीं मालूम रीजनल लैंग्वेज की वजह से, परंतु कुछ वर्ष पहले कलकत्ता से मनोज मित्रा ने कहा कि गोल्डन जुबली अंक है, इसके लिए आप कुछ लिख दीजिए। तो गोल्डन जुबली है का मतलब है वो बहुत समय से निकल ही रहा। 1970 में दिल्ली में दूरदर्शन आया, ये एक जरिया बन गया बंबई जाने का। पहले मंचीय नाटक, फिर रेडियो, फिर टीवी और फिर मुंबई की ट्रेन। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमने किया था जैसमा ओढ़न, अगला नाटक था ओथेलो, अलकाजी साहब ने डायरेक्ट किया था। इसमें मैंने एक अहम भूमिका भी की थी। एक बार रिहर्सल के बाद अलकाजी साहब ने कहा कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। ये शो हमने बॉम्बे और पुणे में भी किया। बॉम्बे में शशि कपूर हमारा शो देखने के लिए आए थे। शो के बाद एक छोटी सी लड़की स्टेज पर मिलने आई, उसके पेरेंट्स ने बताया, ये कह रही थी जिनके गोल्डन हेयर हैं और ब्लू आईज हैं उनको मिलना है। आईज तो अभी तक ब्लू हैं पर गोल्डन हेयर अब ग्रे हैं। पुणे में शो हमने फिल्म इंस्टीट्यूट में किया था।
वहां सुभाष भाई से मुलाकात हुई थी और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने मुझे कहा था कि मैं एनएसडी करने के बाद पूना आ जाऊं, पर मैं नहीं गई। एनएसडी में होते हुए हमने ओथेलो के बाद थ्री पेनी ओपेरा किया, इसके लिए फ्रिट्ज बेनेविट्स पहली बार भारत आए। उसके बाद कॉकेशियन चौक सर्कल हुआ जिसके लिए कार्ल विवर भारत आए। ये सब ऐसे एक्सपीरियंस थे जो भूले नहीं जा सकते। फ्रिट्ज बेनेविट्स ने प्रोडक्शन से पहले वर्कशॉप कराई, हर रोज नई तरह की एक्सरसाइज, ओपन एयर में जाकर पूरा स्कूल एक साथ। एक एक्सरसाइज तो ऐसी थी कि हम अपने विभिन्न अंगों को विभिन्न तरीके से एक ही टाइम पे कैसे यूज कर सकते हैं। हमने ऐसा सीखा कि आज तक भी मैं आंखों से कुछ और कानों से कुछ और करती हूँ, दो दो काम एक साथ। दो के बाद हमने किया बलवंत गार्गी का रजिया सुल्तान। उसके लिए बलवंत गार्गी दिल्ली आए, काफी दिन वहां रहे, रोज रिहर्सल के लिए आते, डायरेक्टर के साथ बहुत डिस्कशन चलते। रजिया सुल्तान के बाद हुआ सूर्यमुख, तुगलक, इन सभी नाटकों के जरिए उभर कर आए मनोहर सिंह, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी जैसे कलाकार। इस सबसे थोड़ा पहले देखें तो अलकाजी साहब के अंधा युग, जो उन्होंने फिरोशा कोटला में किया था, तहलका कर दिया था दिल्ली। इस तरह का नाटक, इस तरह की सेटिंग में अलकाजी साहब ने अपने इंटरव्यू में, जो मैंने 2009 में किया था, इस अंधा युग और आषाढ़ का एक अंधयुग और आषाढ़ के एक दिन की काफी चर्चा की थी। यह इंटरव्यू भोपाल के मैगजीन पूर्वाग्रह में छपा। अगर अभी भी वो पूर्वाग्रह मिल सकता है या ऑनलाइन है या आप लोग ले सकते हैं तो देखिए और उसको पढ़िए। अलकाई साहब ने पुराना किला में भी अंधयुग किया। वास्तव में आषाढ़ का एक दिन की वजह से मोहन राकेश, अंधयुग से धर्मवीर भारती और तुगलक से गिरीश कर्नाड लाइमलाइट में आए। हम 20 वर्ष की बात करें 65 से 85 तक, तो एक के बाद एक बेहतरीन कलाकार सामने आए। फिल्म इंडस्ट्री का भी दायरा थोड़ा बदला, बड़ा हुआ, जब नसीर, ओम पुरी, अनुपम खेर, पंकज कपूर और भी बहुत से कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में आए। जो फिल्म इंडस्ट्री का पहले एक मापदंड था, ऐसे हाइट होनी चाहिए, ये आना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, वगैरह वगैरह जो भी उनके बने हुए थे पैरामीटर, पर ये सब आने के बाद, थिएटर के आर्टिस्ट वहाँ आने के बाद, ये सारी चीजें बदल गई और आठ फिल्म बहुत अच्छे से बनी। उधर निर्देशकों की भी छवि बनी। बीएम शाह अपने कॉमेडी नाटकों के लिए जाने जाते थे, उन्होंने मित्रों मरजानी किया, ये नाटक भुलाए नहीं भुला जा सकता। कारण जी अपनी तरह के नाटक अपनी तरह के म्यूजिक के साथ करते थे। उनके नाटक उनके इनोवेटिव म्यूजिक के लिए जाने जाते थे। कलकत्ता में सबसे आगे थे शंभु मित्र और भी कई सीनियर डायरेक्टर जिसमें मनोज मित्र भी एक थे। पूना में सतीश आलेकर लेखक, निर्देशक और एक्टर, उन्होंने काफी काम किया। डॉक्टरी छोड़कर थिएटर को ही अपनाया, पूना में थिएटर डिपार्टमेंट के हेड बने। मध्य प्रदेश में हबीब जी, भारतीय रंगमंच में कौन है जो उन्हें नहीं जानता या उनके नाटक नहीं दिखे। उन्होंने शेक्सपियर के नाटक अपनी भाषा, ताल लय यानी म्यूजिक, डांस और जिन कलाकारों के साथ किया काम किया वो सब एक मिसाल थी। इस दौरान उन्होंने आगरा बाजार किया जो मेल का पत्थर बना। तमिल में मुत्तु स्वामी अच्छा काम कर रहे थे। केरल में कावलम नारायण पानीकर का संस्कृत नाटकों का नाट्य शास्त्र की पद्धति में करने का प्रयास चल रहा था। संस्कृत थिएटर, संस्कृत नाटक और पानीकर जैसा कोई नहीं हुआ। महाराष्ट्र और बंगाल में तो थिएटर का ट्रेडिशन ही था। कलकत्ता में बंगला थिएटर के साथ हिंदी थिएटर भी था, जो अब अभी भी है पदातिक, तब था अनामिका, श्यामानंद जलान का थिएटर, श्यामानंद जलान का एवं इंद्रजीत मैंने देखा था शायद 1969 में। एक और बड़ा नाम बादल सरकार, जो अपनी तरह का रंगमंच करते थे, जिन्होंने प्रोसिनियम थिएटर के ट्रेडिशन को तोड़ा। दिल्ली में अभियान में काफी काम चल रहा था, राजेंद्र नाथ का ग्रुप था।
उस समय में दिल्ली में सप्रू हाउस जाना जाता था पंजाबी प्लेस के लिए, जिसके डबल मीनिंग होते थे, और उसमें एक प्ले बहुत मशहूर हुआ था अदरक के पंजे, और ये एक इडियम बन गया था सप्रू हाउस के लिए। 1985 से 2005 तक का समय देखें तो ये रंगमंच के लिए टर्निंग पॉइंट था। एक पूरी नई पीढ़ी सामने आई, नाट्य निर्देशकों ने अपने आप को स्थापित किया, अपने ट्रेडिशन और अपने थिएटर में जो सीखा उसे आगे बढ़ाया। सबसे बड़ा उदाहरण है बी जयश्री, जिन्होंने अपने पिता की परंपरा को आत्मसात किया और आगे बढ़ाया। नीलम मानसिंह चौधरी, जिन्होंने बीबी कारंत के ताल लय म्यूजिक को आत्मसात किया और पंजाब की परंपराओं को आगे बढ़ाया। रतन थियाम, जो देश में और विदेश में बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने अलकाजी साहब से जो ग्रहण किया उसी में आगे काम किया, उस परंपरा को आगे बढ़ाया। अलकाजी साहब का रंगमंच के बाद दूसरा प्रेम था पेंटिंग्स। वो अपने नाटकों में भी दृश्यों को पेंटिंग की तरह ही उभारते थे, और नाटक का मूड सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता था। रतन जी के नाटक में अपने आप में एक मिसाल है। किसी को मणिपुरी भाषा नहीं आती, पर पूरे संसार में उनके नाटकों को सभी पूरे रस के साथ देखते हैं। उनके नाटक में मणिपुर के रास, रंग, ताल, लय, एक्टर्स की आवाजों का प्रयोग, ज्योग्राफिकली मणिपुर जो है बहुत पेड़ और बहुत पहाड़, उनसे आती हुई झीनी झीनी रोशनी और साउंड्स, इन सब का प्रयोग उन्होंने अपने नाटकों में किया। नाटक के मूड को इस तरह से गहराई से उतारते हैं कि उसके बाहर दर्शक जा ही नहीं सकते। राम गोपाल बजाज, जो बहुत सीनियर डायरेक्टर हैं, एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं। उनका अपना कोई ग्रुप तो नहीं है, पर उन्होंने बहुत अच्छे नाटक बनाए हैं। उनके नाटकों की खासियत है साहित्य, लिटरेचर उभर कर आता है, शब्दों का अर्थ अभिनीत होता है। कैद हयात, सूर्य के अंतिम किरण से पहली किरण तक, भूख आग है, बहुत ही अच्छे नाटक है। 85 के बाद ही थिएटर फेस्टिवल का सिलसिला शुरू हुआ। दिल्ली में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ, NSNS के नाम से मशहूर है, नेहरू शताब्दी नाट्य समारोह। नेट पर देखिए अगर मिल जाए तो, इसमें भारत के सबसे अच्छे ग्रुप्स व डायरेक्टर ने भाग लिया। इनकी रिकॉर्डिंग्स भी शायद देखी जा सकती है। एनएस जी ने रेपर्टरी के 25 वर्ष सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन किया, रंग यात्रा एग्जीबिशन बनाई, और भी बहुत कुछ हुआ। अगर जानिए तो 1950 से 1970 और 75 तक आजादी के बाद भारत बन रहा था, सेटल हो रहा था, हर दिशा में काम हो रहा था। दिल्ली में प्रगति मैदान में जो एग्जीबिशन लगती है ये तब शुरू हुई थी, मारुति कार बननी तब शुरू हुई, कवि सम्मेलन मुशायरे हुआ करते थे, ऑल इंडिया रेडियो ने एग्जीबिशन ग्राउंड में अपना एक पेवेलियन बनाया, शीशे का एक कमरा, शीशे का रूम, ताकि लोग देख सकें रेडियो में रिकॉर्डिंग कैसे होती है। कोमल नागर, वो ड्रामा सेक्शन के हेड थे, उन्होंने रेडियो में बहुत अच्छा काम किया, और तभी रेडियो में युववाणी भी शुरू हुआ। SNA नई दिल्ली ने कई नई स्कीम बनाई थिएटर के लिए, जिसने बीच का काम किया। युवा निर्देशकों के लिए पूरे देश में प्लेटफॉर्म दिए गए, फेस्टिवल कराए गए, इसमें सभी भाषाओं के नाटक होते। सेलिब्रेशन का समय शुरू हो चुका था भारत में, आजादी का गोल्डन जुबली मना, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का गोल्डन जुबली मनाया गया, संगीत नाटक एकेडमी का गोल्डन जुबली मनाया गया। NSG जब बना तो वो SNA के अंडर में था, SNA पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इन सेलिब्रेशंस में डांस, म्यूजिक, थिएटर, पपेट्री, फोक थिएटर, ट्रेडिशनल थिएटर सभी को सम्मिलित किया गया। इसी से समय ये भी पता चला कि फोक म्यूजिक, फोक थिएटर डाइंग आउट की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए फिर बहुत सारे स्कीम्स बनाई गई, बहुत सारा काम किया गया, और डांस म्यूजिक थिएटर में ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए गए।
भारत रंग महोत्सव भी इसी समय शुरू हुआ। 1985 टू 2005 एकेडमी ने सीनियर डायरेक्टर्स के लिए रंग संगम, युवाओं के लिए रंग प्रतिभा जैसे फेस्टिवल बनाए। रंग संगम राष्ट्रीय स्तर का था, रंग प्रतिभा स्टेट लेवल का। इससे ये पता चलता था किस राज्य में किस तरह का काम युवा कर रहे हैं, किस तरह का सपोर्ट की जरूरत है उन्हें। ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंटरेक्शन प्रोग्राम थिएटर में शुरू किए, स्पॉन्सरिंग ऑफ स्टूडेंट शुरू हुआ। स्टूडेंट्स जिनका संस्कृत थिएटर में इंटरेस्ट है उन्हें पनिकर जी के पास भेजा गया। जो युवा निर्देशक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम उन्हें उनकी स्टेट से निकाल के दूसरी स्टेट में स्पॉन्सर करते थे ताकि उन्हें एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले। संस्कृत नाटक को राष्ट्रीय स्तर पर लाया गया, संस्कृत थिएटर पर सेमिनार्स और फेस्टिवल हुए। रंगमंच में जो नई चीजें इस दौर में हुई वो थी एक्सपेरिमेंटल थिएटर, कहानी उपन्यास पर नाटक ज्यादा बनने लगे। आधुनिक नाटक लिखने वाले भी नहीं हुए तो डायरेक्टर्स अपने नाटक अपनी टीम के साथ खुद ही बनाने लगे। ये जो शोर हुआ कहानी का रंगमंच बहुत ज्यादा उन दिनों, वास्तव में ये तो अलकाजी साहब के समय ही आरंभ हो गया था। उन्होंने होरी किया था सबसे पहले और कविताओं भी स्टेज पर हुई थी होती थी उन दिनों। इस एक्सपेरिमेंट में स्टेज पर स्क्रीन भी आ गई और एक्टर उसके सामने छोटा पड़ने लगा। विजुअल बहुत इंपॉर्टेंट होते गए, कभी कभी तो ऐसा लगने लगा सेट डिजाइन ने पूरा नाटक ही खा लिया। और जब हमने केरल में रंग प्रतिभा किया था यंग थिएटर डायरेक्टर्स फेस्टिवल, मैं बहुत हैरान थी, इतना ज्यादा ताम झाम, सेट लाइट डिजाइन के सचमुच में नाटक का पता ही नहीं चलता। एक डायरेक्टर तो ऐसा था कि उसने नाग मंडल का आधा ही भाग किया था। तो अगले दिन बातचीत में हम बहुत हैरान हुए तो उन्होंने कहा मैं उतना ही करना चाहता था इसीलिए मैंने उतना ही किया। लेकिन उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था सेट डिजाइन और लाइट्स और ये सब चीजें, नाटक का ज्यादा महत्व नहीं था। यदि वीडियो कट जाए तो आप वापस से रिज्वाइन हो जाएंगे। रियलिस्टिक इतना ज्यादा होने लगा कि 1084 की माह में नाटक में एक्टर के पेट की आंकड़ियां भी दिखाई दी। एक पॉइंट पर मुझे लगा कि नाटक करने का मकसद ही खत्म हो रहा है। भारत में जनसंख्या के साथ नाटक करने वालों की तादाद भी बहुत बढ़ गई, नाटकों का स्तर काफी गिरा। नाटक माने परफॉर्मेंस प्रोडक्शन, ये भी हो गया नया नाटक करने का मतलब है ज्ञान। एनएसडी में 70s में एक साल में एक मेगा प्रोडक्शन होती थी, उसका पर्पस था स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग और नाट्य दर्शक बनाना और कलाकारों में कॉन्फिडेंस बढ़ाना। बहुत ज्यादा शोज होते थे उन नाटकों के, शुरू में तो लगता